भाई फाइनली मैंने स्मार्ट वॉच मंगाई लिया, बोट की जेनेसिस या इसको मैं बोलूं एप्पल वॉच अल्ट्रा क्लोन, बट ये स्मार्ट वॉच मेड इन इंडिया है। मैंने इसके लिए पे किए हैं 1800 रुपए, मेरे को मिली है ये मिंत्रा से। यहाँ पे आपको एप्पल वॉच अल्ट्रा डिजाइन मिलता है, बट ये है मेटेलिक फ्रेम, कोई भी पॉलीकार्बोनेट या प्लास्टिक फ्रेम यहाँ पे यूज नहीं हुआ। चले करते इसको अनबॉक्स, जानते हैं भाई क्या ये वर्थ परचेज थी या नहीं थी। एंड अगर आप परचेज करने में इंटरेस्टेड है, लिंक इसका नीचे मिल जाएगा, साथ साथ टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो फॉर बेस्ट डील एंड ऑफर। बोट वेव जेनेसिस आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है, ब्रांडिंग है मेड इन इंडिया के ऊपर, डिटेलिंग आपको देखने मिल जाएगी। कंटेंट पैकेजिंग वाइज सबसे पहले आपकी स्मार्ट वॉच ही देखने मिलती है। जी हाँ भाई, कल ये डेफिनेटली एप्पल वॉच अल्ट्रा क्लोन देखने मिल रहा है। साइड में रखते हैं, बात करें यहाँ पे पेपर वर्क की, तो ढेरों सारे पेपर वर्क आपको देखने मिल जाएंगे। यहाँ पे एक चार्जर दिया गया वायरलेस वाला, कोई भी यहाँ पे पोगो पिन चार्जर नहीं है, मतलब यार चीजें तो अच्छी की हैं। अब मेन स्मार्ट वॉच पे आ जाते हैं, जो आपको स्क्वेयर डायल मिलते हैं, बिकॉज एप्पल वॉच अल्ट्रा भी स्क्वेयर मिलती है। एक क्राउन यहाँ पे मिल जाएगा, एक पुश बटन है, बट लेफ्ट साइड में भी एप्पल वॉच में एक बटन दिया गया है स्पीकर, बट यहाँ पे वो चीज खाली है, जस्ट आपको स्पीकर ही मिलते हैं विद माइक्रोफोन। नीचे की तरफ आप देखें तो वायरलेस चार्जिंग पैड आपको मिल जाएगा, बोट की ब्रांड यहाँ पे की गई है, सिलिकॉन के स्ट्रैप है जो कि साइड से आप रिमूव कर सकते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली कोई भी लॉक मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं है, आप जैसे पुल करके इसको खींच सकते हैं। अब रही बात स्मार्ट वॉच की यार, तो ये क्या क्या आपको प्रोवाइड करती है, चलिए चेक करते हैं। 1.96 इंचेस का एक डिस्प्ले है जिसमें 500 निट्स की ब्राइटनेस है, स्क्रीन एक बेसिक रेजोल्यूशन के साथ आती है एंड क्वालिटी डिसेंट मिल जाते हैं। यूआई की बात करते हैं, ऊपर से आप स्क्रॉल करेंगे तो एक टॉगल्स आपको मिल जाएंगे, नीचे से स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशंस मिल जाती हैं। देन इन्होंने एक स्मॉल या मैं बोलूँ मल्टी स्क्रीन का भी ऑप्शन आपको दिया गया है एंड बाकी आप मेन्यू यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। लैग नहीं है कोई भी डिस्प्ले में, आप क्राउन से भी इसको ऑपरेट करना चाहें तो कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपको दिया गया है। एंड क्राउन अच्छा खासा वर्क करता है, मतलब डिस्प्ले की क्वालिटी रेजोल्यूशन को छोड़ के बाकी सारी चीजें पे काफी अच्छी मिलती हैं। आउटडोर अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको मिलती है यहाँ पे 500 निट्स की ब्राइटनेस, यूज करने लायक है, ब्राइटनेस ठीक ठाक मिल जाती है। एंड इन्होंने रेज टू वेक फीचर भी ऐड किया है जो कि दोनों साइड वर्क करता है भाई, साथ साथ डिस्प्ले में AOD का फंक्शन भी मिल जाता है ना, अगर आप इसको नॉर्मली यूज करना चाहते हैं ब्राइटनेस 5 मिनट के लिए आप स्क्रीन को ऑन रख सकते हैं, वो ऑप्शन मिलता है, बट बैटरी काफी ज्यादा वहां पे कंज्यूम होगी। ऑन रिस्ट की बात करें भाई, ये छोटी स्मार्ट वॉच नहीं, काफी बड़ी आपको स्मार्ट वॉच देखने मिल जाती है, तो एक थिन रिस्ट है इसको ऑपरेट करने के लिए, जहां पे अच्छी दिखे। ये बेजल्स की क्वालिटी भी ठीक है, मतलब ज्यादा बड़े बेजल्स नहीं है, ज्यादा छोटे भी नहीं है, तो वो चीज आपको यहाँ पे देखने मिलती है, मतलब ओवरऑल ठीक है बेजल्स। चलिए स्मार्ट वॉच को एक बार कनेक्ट करते हैं, बाकी डिटेल बाद में बात करेंगे। तो बोट ने इसमें सपोर्ट दिया बोट की वेरेबल स्मार्ट वॉच एप्लीकेशन का, एंड आप वहां पे जाके आपके फोन डिटेल, ईमेल डिटेल, सारी डिटेल आपको देने पड़ेंगे, उसके बाद आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्टिविटी में लाइक वेव सीरीज में जाएंगे, आपको जेनेसिस का नाम दिख जाएगा, कनेक्ट करने के बाद स्मार्ट वॉच आपकी पेड। एंड अगर एप्लीकेशन के इंटरफेस की बात करें, मिलते तो ढेरों सारी चीजें हैं वहां पे, बट अगर आप होम पे आते हैं तो होम पे आपको मेनली जो चीजें हैं आपकी स्मार्ट वॉच की, बैटरी, कनेक्ट स्टेटस, प्रोफाइल, स्टेप काउंट वगैरह वगैरह आप देखने मिल जाएंगे। देन एनालिसिस है जो आपका स्टेप काउंट, हार्ट रेट वगैरह दिखाता है। देन एक्टिविटी को स्किप करके अगर माई वॉच में आते हैं तो स्मार्ट वॉच रिलेटेड सेटिंग्स मिल जाती है, अलर्ट हो गया, नोटिफिकेशन होगी, आपका वॉच फेस हो गया, सारे यहाँ पे ऑप्शन है। एंड लास्ट मिलता है आपका अकाउंट जहाँ पे आप गोल वगैरह सेट कर सकते हैं एंड आपकी प्रोफाइल सेटिंग चेक कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक ठाक इंटरफेस आपको मिल जाता है। स्मार्ट वॉच के फीचर एंड फंक्शन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, तो 100 प्लस स्पोर्ट मोड ये स्मार्ट वॉच आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक ठीक ठाक सा नंबर है। 67 की सर्टिफिकेशन मिल जाती है, मतलब वाटर रेजिस्टेंट ये है, हाथ वगैरह धो रहे हैं या फिर पानी वगैरह गिर रहा है थोड़ा बहुत वो दिक्कत नहीं देगा स्मार्ट वॉच को, बट हाँ पानी में डुबो के मत देखना है, ज्यादा टाइम के लिए डुबो ना मत इसको, वहां पे दिक्कत आ जाएगी। उसके अलावा सेंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे हार्ट रेट भी आपको मिलता है, SpO2 भी मिल जाता है, उसके अलावा आप स्ट्रेस मॉनिटरिंग चेक कर सकते हैं। वुमेन हेल्थ के लिए फीचर दिया गया, ब्रीथ ट्रेनिंग है, स्टेप काउंट है, स्लीप मॉनिटरिंग है, मतलब यार काफी अच्छे सेंसर दिए गए जो कि फेक तो कोई भी नहीं है, आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा भाई आपने स्मार्ट वॉच आपके टेबल पर रखी है वहां पे आपका डेटा काउंट कर रहा है, वो चीज नहीं है। बट एक्यूरेट भी नहीं है सेंसर, मैंने चेक किया ऑक्सीमीटर के साथ, इतनी घटिया एक्यूरेसी आ रही थी, 60-63 समवेयर ये दिखा रहा था हार्ट रेट, बट हार्ट रेट एक्चुअली 80s में था, तो वहां पे डिस्क्रिपेंसी 20 की थी, मतलब काफी ज्यादा नंबर होता है। ऑक्सीमीटर 99% एक्यूरेट है, बट इसकी एक्यूरेसी मैं बोलूं तो 50s में आपको मिलेगी, तो ट्रस्ट मत करना स्मार्ट वॉच के सेंसर। नेक्स्ट चीज हम बात करते हैं भाई यहाँ पे मेन्यू स्टाइल की, तो आपको 4 मेन्यू स्टाइल मिल जाते हैं,
एडिशनल फीचर्स में आपको ईओडी का बता दिया मैंने, दो ऑप्शन मिलते हैं एनालॉग एंड डिजिटल वाला। वैसे यहाँ पे कैलकुलेटर का ऑप्शन भी मिल जाता है, वर्ल्ड क्लॉक हो गया आपका वो फीचर भी है। एक गेम भी दिया गया, तो अगर आप इंटरेस्टेड है गेम वगैरह खेलने में तो वहां पे खेल सकते हैं। एक गेम है कैलेंडर का फंक्शन भी मिल जाएगा भाई। बोर्ड की स्मार्ट वॉच में कैलेंडर आपको नहीं मिलता, तो एक अंदाजा लगा लिया कितनी कॉपियां इन्होंने मारी हुई है, वही चाइना का माल लग के पटक दिया बोर्ड की ब्रांडिंग के साथ, बट मेड इन इंडिया भाई। स्मार्ट वॉच आपकी पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ भी आती है, अगर आप पासवर्ड वगैरह लॉक लगाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन अदर चीजें सच एज फाइंड माई फोन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, स्टॉप वॉच, टाइमर, म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल जैसे बेसिक फीचर आपके स्मार्ट वॉच में डेफिनेटली यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद अगर आप वॉच फेसेस पे मूव करें भाई, तो क्राउन दिए गए पांच वॉच फेस को कंट्रोल करने के लिए, आप यहाँ पे इजिली वॉच फेस कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर आपको एडिशनल चाहिए तो आपको एप्लीकेशन से जाके चेंज करना पड़ेगा, जिसमें आपको ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, 100 प्लस बेसिकली नंबर है वॉच फेस मिलते हैं क्लाउड वाले, डाउनलोड करके यहाँ पे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं आपके स्मार्ट वॉच के साथ। बट अगर आपको नहीं पसंद तो आप कुछ अलग कलर से कस्टमाइज कर सकते हैं, या फिर अपना खुद का फेस लगा सकते हैं एज ए कस्टमाइज वॉलपेपर। तो ये सारी चीजें थी स्मार्ट वॉच के फीचर फंक्शन के बारे में। बट अगर बात करते हैं कॉलिंग पार्ट की, तो डायल पैड, सेव कॉन्टैक्ट, कॉल हिस्ट्री वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं स्मार्ट वॉच में। एंड अगर आप इसको कॉलिंग के लिए यूज कर दें, 20 कॉन्टैक्ट सेव की लिमिट मिलती है, मतलब अदर ब्रांड से तो थोड़ा ज्यादा ही यहाँ पे कॉन्टैक्ट आप सेव कर सकते हैं। आउटडोर में कैसा रहा कॉलिंग एक्सपीरियंस वो मैंने चेकआउट किया, रिजल्ट ये रहे। तो ये है बोट की जेनेसिस स्मार्ट वॉच जो की आती है एप्पल वॉच अल्ट्रा के डिजाइन के साथ, एंड मैंने परचेस कर लिया फाइनली। मेरे को मिली है 1800 रुपए में, एंड काफी ठीक ठाक प्राइस था इसका, नॉर्मली 2000 रुपए की रहती है, बट एक अच्छा डिस्काउंट मिल गया। बट क्या माइक्रोफोन अच्छा है या नहीं है, डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। तो भाई आउटडोर कॉलिंग एक्सपीरियंस आपने चेकआउट कर लिया, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मेरे को ओवरऑल कॉल क्वालिटी इसकी काफी ठीक लगी, ऐसा नहीं है भाई आपको डिसअपॉइंट होना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कॉलिंग, नो इट्स रियली गुड। बट अगर ज्यादा टाइम आप कॉल पे स्पेंड करते हैं तो आपको एक दो दिन का ही बैटरी बैकअप मिल पाएगा, वो भी हार्डली, बट विदाउट कॉल आपको यहाँ पे 3-4 दिन का बैटरी बैकअप मिल सकता है। एंड स्टैंड बाय बोर्ड यहाँ पे बोलते हैं 15 दिन तक का बैटरी बैकअप आपको मिल जाता है। 400 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ ये स्मार्ट वॉच आपकी आती है। अब भाई कंक्लूजन वाइज बात के लिए हमने सारी चीज डिस्कस कर ली जो जो स्मार्ट वॉच में थी, तो लाइक एप्पल के क्लोन के मुताबिक स्मार्ट वॉच ठीक है, 1800 रुपए प्राइस है, प्राइस के अकॉर्डिंग वैल्यू आपको मिल जाती है। बट जो चीज हम बोट से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो उन्होंने की है, एंड बोट भी यार मजबूर हो गया होगा एट द एंड बाई फायरबोल्ट, कॉपी पे कॉपी लाके अपना थप्पा लगा के इंडियन मार्केट में बेच रहा है, तो उनको भी कुछ करना था ताकि स्मार्ट वॉच या वेरेबल कैटेगरी में वो बने रह सके। बाकी स्मार्ट वॉच अच्छी है, ट्राई कर सकते हैं, अगर करना है ट्राई नीचे लिंक है जाके परचेज कर लीजिए, बेस्ट प्राइस आपको मिल जाएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आई, वैल्यू मिली, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में यार, अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, बाय बाय गाइस।